हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कालीनक्स के अंदर हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर की बेसिक इन्फॉर्मेशन कमांड्स के थ्रू कैसे रिट्रीव करेंगे और अपने टर्मिनल पे कैसे प्रिंट कराएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये कमांड कौन कौन सी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन करना है अपने टर्मिनल को। मैं अपने केस में विंडोज़ टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं विंडोज़ 10 के अंदर कालीनक्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कालीनक्स को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप सभी को जानना है कि विंडोज़ 10 के अंदर कालीनक्स को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है इसके टर्मिनल को, तो आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कालीनक्स को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर कालीनक्स के टर्मिनल में हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर आप टॉप कमांड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको रियल टाइम में कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तो उसका रियल टाइम में आपको डेटा जो है यहाँ पर अपडेट देखने को मिलता है। आप यहाँ पे पूरा का पूरी एक्टिविटी जो है इसकी रियल टाइम में देख सकते हैं। ये हर एवरी सेकेंड्स जो है रिफ्रेश होती है और यहाँ पे एक्टिविटी जो है आपको शो होती रहती है। तो इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आइडल प्रोसेस है उसको हाइड करना, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे माइनस आई का ऑप्शन। तो ये क्या करेगा, रियल टाइम में जितने भी आइडल प्रोसेस है उन सभी को हाइड कर देगा। तो देखिए यहाँ पर इसने जो है सभी आइडल प्रोसेस को हाइड कर दिया है। तो इस कमांड के थ्रू जो है आप आइडल प्रोसेस को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। अब अगर आपको अपने कंप्यूटर के सीपीयू एक्टिविटी को जो है मॉनिटर करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए कमांड है एमवी स्टेट। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके कंप्यूटर में सीपीयू एक्टिविटी जो है आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सीपीयू के टोटल कोर्स शो हो गए हैं, होस्ट नेम शो हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा यूज़र जो है कौन कौन सा एक्टिविटी सीपीयू की यूज़ कर रहा है, वो सब यहाँ पे जो है आपको डेटा जो है शो हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीपीयू ऑल लिखा है, यानी आपके कंप्यूटर का जो जितने कोर्स हैं सभी कोर्स का इसने डेटा आपको यहाँ पे शो किया है। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक सेपरेट कोर का भी डेटा यहाँ पर प्रिंट कराना, तो वो भी आप करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टास्क मैनेजर में, आपको ओपन करके दिखाता हूँ विंडोज़ के। अगर मैं यहाँ पर सीपीयू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोर्स का ग्राफ जो है यहाँ पर मेरे को दिखता है। हर एक कोर का मतलब है कि इस सीपीयू के अंदर इतने सीपीयू इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसे आप यहां से चेंज करके देख सकते हैं। ओवरऑल करोगे तो सिंगल ग्राफ में दिखेगा, अगर आप यहां से लॉजिकल करोगे तो सारे लॉजिकल कोर्स जो हैं आपको शो होने लगेंगे। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितने लॉजिकल कोर्स हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है किसी एक सेपरेट कोर की प्रिंट कराऊँ, तो वो भी करा सकता हूँ। तो उसके लिए कमांड है एम पी स्टेट, यहाँ पर लिखना है आपको माइनस कैपिटल पी। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो करेंगे तो फर्स्ट कोर की इन्फॉर्मेशन आएगी, वन करेंगे तो सेकंड इन्फॉर्मेशन आएगी सेकंड कोर की, टू करेंगे तो थर्ड लॉजिकल कोर की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा, और यहाँ पे थ्री करेंगे तो फोर्थ लॉजिकल कोर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं अपने सीपीयू एक्टिविटी को। तो चलिए इसको हम कर देते हैं क्लियर। क्लियर कर दिया फ्रेंड्स हमने। अगर आप चाहते हैं कि पूरी सीपीयू एक्टिविटी आपको एक बार में शो हो जाए, तो यहाँ पर आप वैसे भी करा सकते हैं। एम पी स्टेट माइनस पी, आपको लिखना है ऑल, ठीक है, कैपिटल में, तो सभी सीपीयू की इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रिंट करवा देगा। तो फर्स्ट नंबर पे जो आपको देखने को मिलेगा टोटल ओवरऑल ग्राफ है ये, ठीक है, और बाकी इसके बाद ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सेपरेट ग्राफ है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। सॉरी ग्राफ है ये, सारी वो इन्फॉर्मेशन जो इसे प्रिंट कर रहा है जिसे हम वहाँ ग्राफ में देखते हैं। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन को हम कर देते हैं क्लियर। क्लियर करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपको अपने सीपीयू यूसेज का स्नैपशॉट लेना है तो आप कैसे लेंगे, अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है एम पी स्टेट, मैं चाहता हूँ कि हर एवरी 2 सेकंड्स में मेरा कंप्यूटर जो है मेरे को अपने सीपीयू एक्टिविटी का यूसेज ग्राफ जो एक्टिविटी है वो मेरे को प्रिंट करवाना है। तो ग्राफ तो हम कंसोल में नहीं देख सकते, तो उसकी एक्टिविटी को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हर एवरी 2 सेकंड्स में प्रिंट कराए, कितने टाइम्स, मैं चाहता हूँ कि 5 टाइम्स जो है वो डेटा प्रिंट करवा दें। तो यहाँ पे मैंने एम पी स्टेट 2 स्पेस 5 कर दिया है। तो ये हर एवरी 2 सेकंड्स में देखिए पैकेट्स को यानी उसके डेटा को कैप्चर कर रहा है और यहाँ पे जो है प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अगर आप रियल टाइम में चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रियल टाइम में आप 1 कर दीजिए कितने टाइम्स प्रिंट कराना है आपको, मैं करवाना चाहता हूँ 5 टाइम्स। तो हर एवरी यानी एवरी पर सेकंड में ये 5 टाइम्स जो है आपको डेटा प्रिंट करवा के दे देगा। देखिए 5 रिपोर्ट्स इसने प्रिंट करवा दी है हर पर सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं टाइम को भी। तो चलिए इस कमांड को हम कर देते हैं
क्लियर, तो काफ़ी अच्छी कमांड है। अगर आप सभी अपने CPU यूसेज को, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे SAR माइनस U, तो माइनस U जो है फ्रेंड्स ये क्या करेगा, आपकी CPU यूसेज को जो है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो माइनस U लिखा मैंने, कितने टाइम बाद आप उस परफॉर्मेंस को ट्रैक करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एवरी 2 सेकेंड्स में वो परफॉर्मेंस ट्रैक हो, तो यहाँ पे आपको कर देना है एंटर। तो अब जो है ये आपको उसका CPU यूसेज परफॉर्मेंस जो है ट्रैक करके अपडेट करता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये अपडेट रेगुलरली करता रहेगा जब तक आप इसको स्टॉप ना कर दें। तो काफ़ी अच्छी कमांड है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करना है आपको एग्जिट करने के लिए, और यहाँ पे कर देते हैं क्लियर। अब बात करते हैं, अगर आपको इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग सिस्टम अगर आपको देखना है अपने कंप्यूटर का, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा ऑब्जर्विंग करता है आपके कंप्यूटर में कितने इनपुट डिवाइसेस हैं, कितने आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इसके लिए कमांड है IO स्टेट। इस कमांड को जैसे आप यूज़ करेंगे तो ये आपको डिस्प्ले करेगा CPU यूसेज, ठीक है, लास्ट बूट टाइम और इनपुट आउटपुट लोड, जैसे कि डिस्क रीड राइट एक्टिविटी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो देखिए जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने इन्फॉर्मेशन जो है हमें प्रिंट कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूस जो है डिस्प्ले कर दे रिपोर्ट को हर एवरी 2 सेकेंड्स के अंदर। ये जो डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, ये जो डेटा हमने प्रिंट कराया उस टाइम पे जब मैंने एंटर किया, ये उस जब मैंने एंटर की प्रेस करी तो उस टाइम का डेटा ये मेरे को दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये हर एवरी 1 सेकेंड में डिस्प्ले कर दे, तो डिस्प्ले के लिए लिखूँगा -D, 1 करूँगा तो रियल टाइम में जो है ये प्रिंट करवाता रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 कर देंगे तो हर एवरी 2 सेकेंड में प्रिंट करेगा, अगर आप यहाँ पे 5 कर देंगे तो हर एवरी 5 सेकेंड में यहाँ पे डेटा प्रिंट करेगा। जिस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ पे टास्क मैनेजर के अंदर अपडेट होता रहता है, उसी तरीके से आप जो है अपने कंसोल को भी अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, रियल टाइम में आप डेटा शो करा सकते हैं। इसको करते हैं हम एग्जिट और करते हैं स्क्रीन को क्लियर। अब अगर हमें डिस्प्ले करानी है 4 रिपोर्ट्स, और मैं चाहता हूँ कि 4 रिपोर्ट्स जो है हर एवरी 2 सेकेंड इंटरवल के टाइम ही वो जो है सारा का सारा रिपोर्ट जो है मेरे को प्रिंट कर दे, तो वो भी करा सकता हूँ मैं। आप यहाँ पे लिखेंगे IO स्टेट, हमें प्रिंट करवाना है यानी डिस्प्ले कराना है -D। ठीक है, हर 2 सेकेंड में मैं चाहता हूँ, हर 1 सेकेंड में चाहता हूँ, हर एवरी सेकेंड में मेरे को डिस्प्ले प्रिंट करा दे कितने टाइम्स, तो इसको मैं करवाता हूँ 6। और जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए ये जो है डिस्प्ले कराने लगेगा सारी इन्फॉर्मेशन 3, 4, 5, 6, और हो गया एग्जिट। तो ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसको करवा सकते हैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे प्रिंट। उसको मैंने कर दिया है क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमें देखना है कि हमारे कंप्यूटर में CPU कौन सा है, CPU को इन्फॉर्मेशन कौन सा है, उसका वेंडर कौन सा है, कोर ID क्या है, यानी अगर हमें इतना ही नहीं और भी अगर इन्फॉर्मेशन CPU की चाहिए तो उसको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, तो बहुत अच्छी कमांड है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बेसिक कमांड से स्टार्ट करते हैं CPU की। अगर आपको सिर्फ CPU की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है तो इसके लिए आपको लिखना है cat space /, आपको यहाँ पे लिखना है PROC /, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे CPU info तो cat कमांड जो है CPU info यहाँ पे प्रिंट करवा देगी। तो यहाँ पे देखिए आप CPU info देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर 1 की इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, यानी हमारा लॉजिकल कोर 0, लॉजिकल कोर 2, ठीक है, और ये लॉजिकल कोर 3, और लास्ट में लॉजिकल कोर 4। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि वेंडर की कौन सा है, ठीक है, कौन कौन से फ्लैग यानी कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, कितने बिट का है, ठीक है, मॉडल नेम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ ईजिली देखने को मिल जाती है CPU info कमांड से। तो चलिए टर्मिनल को करते हैं हम अपने क्लियर। अगर आपको सिर्फ वेंडर को वेंडर ID जो है प्रिंट करवानी है अपने टर्मिनल में, आप नहीं चाहते कि मेरे को देखना ही नहीं है कि मेरे CPU के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन, मेरे को सिर्फ ये जानना है वेंडर कौन सा है, हम जो कंप्यूटर में हमारे CPU इंस्टॉल है उसका वेंडर कौन सा है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे cat कमांड का। इसी कमांड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, स्पेस देंगे और आपको यहाँ पे जो है लिखना है GREP
अब आपको वेंडर नेम प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेंडर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा वेंडर। अब आपको जो है टाइप करना होगा यूनिक, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर कर देंगे इस कमांड को, तो ये देखिए इसने मेरे को वेंडर नेम प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा रहा है जेन्युइन इंटेल। तो इस तरीके से जो है, अगर आपके कंप्यूटर में AMD का होगा तो AMD आएगा, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप वेंडर की इस तरीके से CPU वेंडर की इस कमांड के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको मॉडल नेम ही प्रिंट कराना है, तो इस कमांड में आपको वेंडर की जगह यहाँ आके लिखना है मॉडल नेम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मॉडल नेम, जैसे जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए इसने मॉडल नेम प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो मेरे केस में इंटेल कोर i5 CPU दिखा रहा है, आपके केस में कुछ और भी दिखा सकता है। जो भी आपके कंप्यूटर में CPU इंस्टॉल है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रिंट कर देगा। अगर आपको सिर्फ प्रोसेसर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे वेंडर नेम में आना है, यहाँ पे मॉडल नेम में, और यहाँ पे लिख देना है प्रोसेसर, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देना है, तो प्रोसेसर 0, 1, 2, 3 जितने भी उसके लॉजिकल कोर्स हैं, उस हर एक प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे प्रिंट होने को दिख जाएगी। तो चलिए करते हैं टर्मिनल को क्लियर। अब फ्रेंड्स, अगर आपको CPU आर्किटेक्चर वगैरह इन्फॉर्मेशन शो करनी है तो आप कैसे कराएंगे, तो उसको भी आप, यानी उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसे हम जनरली अगर हम CPU वगैरह परचेस करते हैं तो हम स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं ना, तो बस आपको वही डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे LS CPU और कर देंगे एंटर, तो ये कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसमें देखिए आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है CPU, ठीक है, इसका नेम क्या है, एड्रेसेस कितने बाइट्स के हैं, ठीक है, फिजिकल एड्रेस कितने बाइट का है, वर्चुअल एड्रेस कितने बाइट का है, मॉडल नेम क्या है, कितने मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ का CPU है, वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है नहीं करता, L1 L2 L3 मेमोरी का साइज़ क्या है, ठीक है, कौन सा सॉकेट है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है CPU की शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस इन्फॉर्मेशन को, यानी बेसिक आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको, इसको ये प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब अगर आपको अपने कंप्यूटर में ये जानना है कि आपके कंप्यूटर के जो CPU है उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन जानी है, अभी तक तो हम अपने हिसाब से कमांड को कंट्रोल कर रहे थे, चेक कर रहे थे, लेकिन अब जो मैं कमांड आपको बता रहा हूँ ये आपको A to Z इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो इस कमांड का नाम है CPU ID, ठीक है, इसको आपको एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये कमांड देखिए बहुत बड़ी कमांड है, यानी कमांड छोटी सी है लेकिन इसका आउटपुट बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको A to Z इन्फॉर्मेशन जो है प्रिंट कर देगा। इस इन्फॉर्मेशन को रीड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका, लेकिन आपको यहाँ पे एक एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपके CPU से रिलेटेड। इस कमांड का इन्फॉर्मेशन जो है, जब अगर हम किसी फाइल में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेरी जनरेट करनी हो तो इस कमांड का तभी यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर इस कमांड का यूज़ जो है डेवलपर्स वगैरह जो है ज़्यादा करते हैं। अगर उनको देखना हो कि कौन से CPU में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, समझ सकते हैं ना। अगर आप देख सकते हैं बहुत सारे CPU ऐसे आते हैं मार्केट में, उनके ऊपर नई नई एप्लीकेशंस जो है, यानी जो कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई होती है, उस प्रोसेसर के लॉन्च होने से पहले वो कभी कभी वर्क नहीं करती है। तो वो जो है तब इस तरीके से CPU की इन्फॉर्मेशन चेक करके अपनी प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट करते हैं, तब वो एप्लीकेशंस रन होने लगती हैं नए CPUs के ऊपर। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने अपने CPU की प्रिंट कराई थी। CPU ID अगर कमांड आपके कंप्यूटर में वर्क नहीं करती है तो आप यहाँ पे लिखेंगे apt install और यहाँ पे लिख देंगे CPU ID, तो ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ध्यान रखना इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तो ये पैकेज तभी जो है इंस्टॉल होगा। और अगर बाय चांस, अगर मैं जितने भी टर्मिनल्स में आपको कमांड बता रहा हूँ, अगर वो कोई कोई कमांड आपके कंप्यूटर में शो नहीं करती है, तो ऐसे केस में आप उसके पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिएगा। apt इंस्टॉल करके उस पैकेज का नेम दीजिएगा, वो पैकेज जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी वो पैकेज जो है इंस्टॉल होगा। अब अगर आपको अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए वो सारा सर डेटा जो है देखने के लिए कुछ कमांड्स हैं, तो चलिए उसका हम यूज़ करते हैं। तो पहली कमांड है vmstate। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है प्रिंट हो जाएगी, जैसे इनपुट आउटपुट सिस्टम CPU, ठीक है, कितनी मेमोरी फ्री है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे -S का ऑप्शन करेंगे, तो -S ऑप्शन जो है आपको सारी
यानी डिफाइन कर देगा डिस्प्ले यूनिट्स को, ठीक है, कितनी मेमोरी टोटल आपके कंप्यूटर में कितनी है, यूज्ड कितनी हो रही है, एक्टिव कितनी है, इनएक्टिव कितनी है, ठीक है, फ्री मेमोरी कितनी है, बफर मेमोरी कितनी है, समझ रहे, यानी सभी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे जनरली प्रिंट करवा देगा। तो उसको करते हैं हम क्लियर। अगर आप इसी कमांड में यूज़ करते हैं माइनस ए का ऑप्शन, तो माइनस ए का ऑप्शन जो है आपको ये बताएगा प्रिंट करके कि आपके कंप्यूटर में एक्टिव और इनएक्टिव मेमोरी कितनी है, ठीक है। तो आप इस कमांड के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। आप कहेंगे माइनस एस भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं, बहुत सारी ऐसे हम प्रोग्राम में ऐसे लॉजिक लिखते हैं जिसमें हमें कुछ ही इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी होती है, तो उस जगह पे हम इन कमांडों के ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको अब ये देखना है कि टाइम स्टैम्प क्या था जब आपने उस कमांड को एग्जीक्यूट किया, और बेसिकली मानते हैं हमें सिर्फ टाइम ही स्टैम्प जो है प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर आप माइनस टी कर देंगे तो माइनस टी का ऑप्शन जो है टाइम स्टैम्प जो है प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम स्टैम्प इसने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। अभी करंट टाइम जिस टाइम पे मैंने एंटर की दबाया उसी टाइम स्टैम्प इसने जो है यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो कभी कभी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रिंट करवानी पड़ती है, या हमें जानना होता है कि कौन सा यूज़र किस टाइम पे कौन सा उसने टास्क परफॉर्म किया, तो उसका टाइम स्टैम्प क्या था, तो इसलिए हमें टाइम स्टैम्प जो है प्रिंट करवाने की नीड पड़ जाती है। तो काफ़ी अच्छी कमांड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं VM स्टेट में टाइम स्टैम्प का जो प्रिंट है। अगर आपको सारे के सारे डिस्क के स्टैटिस्टिक्स जो है अगर आपको प्रिंट करवाने हैं तो वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप माइनस डी लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आपको नॉर्मली जनरली सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगी, तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, तो ये हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। अगर आपको समराइज़ करना है डिस्क के स्टैटिस्टिक्स तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस डी की जगह आप, यानी अभी हमने स्मॉल डी किया था, अब आपको लिखना है कैपिटल डी, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, जो भी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी सारी आपको प्रिंट करवा देगा। तो इन कमांडों के थ्रू जो है आप अपने कंप्यूटर्स की बेसिक हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन को जो है रिट्रीव करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो जो है ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ तो उस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊँगा। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे को सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, मेरा नाम है वहाँ पर ऑफिशियल मिस्टर बॉट। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं और मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।